हम हाँ तो हम थोड़ी देर के लिए महेश पंडित और उद्धरण दत्त ठाकुर के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। महेश पंडित जो है वो आदि लीला में उनका वर्णन आता है 11वें अध्याय में कि महेश पंडित जो है वो जब कीर्तन होता है तो पागलों के जैसे नाचते हैं। यही उनकी विशेषता है कि पागलों के जैसे नाचते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे इन्होंने नशा वशा कर लिया है, इतने खुश हो जाते हैं। यही स्पेशलिटी है। और गौर गणोदेश दीपिका में लिखा हुआ है कि महेश पंडित जो है महाबाहु सखा है कृष्ण लीला में, और नित्यानंद प्रभु के पार्षद हैं। और दंड महोत्सव, पानीहट्टी चिड़ा दही फेस्टिवल जो था, चिड़ा दही उत्सव, जो कि रघुनाथ दास गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु ने दंड दिया था, तो उस उत्सव में ये थे। और भक्ति रत्नाकर में लिखा हुआ है कि जब नरोत्तम दास ठाकुर खरदा आए तो उनको महेश पंडित का दर्शन हुआ था। वृंदावन दास ठाकुर परम महंत कह के उनको बुलाते हैं और ये नित्यानंद प्रभु को बहुत प्रिय है। जहां पे इनका धाम था, जहां पर ये रहते थे, वो स्थान सुख सागर के नाम से था, जो कि कुछ समय पश्चात गंगा में ही चला गया। पर उनके जो विग्रह हैं, निताई गौरांग उनके विग्रह थे, और उनकी समाधि भी पलपड़ में ले जाई गई और वहां पर वो जो है अभी भी है। वहां पर एक रेलवे स्टेशन है चकदा और सिमरली के पास में, सियालदा से कृष्णा नगर वाली लाइन पे ये है। और तो आज उनका ये अप्रकट दिवस है। उद्धरण दत्त ठाकुर के बारे में ये कहते हैं कि उद्धरण दत्त ठाकुर जो है वो जो 12 गोपाल हैं, 12 सखा है, मुख्य सखा है, द्वादश गोपाल इनको बोला जाता है, द्वादश ग्वाल बाल जो है उनमें से एक है उद्धरण दत्त ठाकुर। नित्यानंद प्रभु के पार्षद हैं और ब्रज लीला में इस सुबाहु सखा
ऐसा गौर गणों दीपिका कहती है। कुछ दिन खरदा में रहने के बाद नित्यानंद प्रभु और उनके जो पार्षद है वो सप्तग्राम आए। सप्तग्राम जो है यहाँ पर सात ऋषि का धाम माना जाता था, वहां पर त्रिवेणी घाट भी उसको कहा जाता है। तो सात ऋषि यहाँ पर इस घाट पर बैठ करके भगवान गोविंद के चरण कमलों को प्राप्त किए थे। यहाँ पर जाह्नवी, यमुना और सरस्वती तीनों यहाँ पर विद्यमान है। जाह्नवी मतलब गंगा। नित्यानंद प्रभु भी वहां पर गए थे और वहां पर स्नान किया था। उसी त्रिवेणी घाट पर उद्धरण दत्त ठाकुर का भी श्री पाठ है। उद्धरण दत्त ठाकुर बार बार बस एक ही प्रार्थना करते थे कि मुझे जन्मों जन्मों में नित्यानंद प्रभु की सेवा मिलती रहे। सप्तग्राम के जितने भी वणिक थे उन सबको इन्होंने भक्त बना दिया। नित्यानंद प्रभु भी स्वयं वहां पर कीर्तन करते हुए जाते थे और हर एक परिवार को भक्त बना दिया था। उद्धरण दत्त ठाकुर के पिताजी का नाम श्रीकर दत्त था और माता का नाम श्री भद्रावती था, जो नैहटी जिला गांव है उसमें उद्धरण दत्त ठाकुर वहां के फिनेंस मिनिस्टर उस गांव के थे, फिनेंस देखते थे। आज भी उनके श्रीपाट के पास आप देखेंगे वहां वहां पर ही जो राजा का जो महल है वहां पर अभी भी वो महल का थोड़े भग्न अवशेष अभी भी है, क्योंकि ये सब घटनाएं बहुत ज्यादा पुरानी नहीं। उस जगह को आज भी उद्धरणपुरी ही कहा जाता है। उद्धरण दत्त ठाकुर षडभुज महाप्रभु की पूजा किया करते थे। ये विग्रह आज भी सप्तग्राम में है। महाप्रभु के राइट में नित्यानंद प्रभु हैं और लेफ्ट में गदाधर पंडित है, और एक दूसरे सिंहासन पर राधा गोविंद और उसके बाद उसके नीचे एक उनका पेंटिंग है उद्धरण दत्त ठाकुर का और उनका विग्रह भी है। जानवा माता अक्सर यहाँ पर आया करती थी, ऐसा भक्ति रत्नाकर में लिखा हुआ। इनके पुत्र का नाम श्रीनिवास दत्त ठाकुर था। तो सप्तग्राम बैंडल वाली लाइन पे आता है, जो बैंडल आपने सुना होगा जो लोग मायापुर गए होंगे। तो जहां पे महल था वहां पर आज भी निताई गौरांग का विग्रह है और बलराम वहां पर पूजित होते हैं। ठीक है, तो ये उद्धरण दत्त ठाकुर के बारे में थोड़ी चर्चा है। इसके आगे हम अपनी जो वैष्णव भजनों की जो चर्चा है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। प्रतिदिन हम चर्चा कर रहे हैं, एक एक गीत के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं और अल्फाबेट ए के गीतों पे हम चर्चा कर रहे हैं।
तो आज एक अलग भजन के ऊपर चर्चा करेंगे। ये भजन इसका कोई स्रोत ऐसा सच नहीं है, पर ये उर्दू भाषा में लिखा हुआ भजन है। आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आए, हे कन्हाई परम सुखदाई मेरे सांवरे प्रीत कन्हाई। जब याद श्याम तेरी आती है एक अजब नजारा होता है। तो यहाँ पर दिस इज इन आई थिंक हिंदी ही है ये। एक टीस सी उठती है और दिल बेचैन हमारा होता है। तेरा प्यार छिपाए सीने में दिन रात तड़पती रहती हूँ, कैसे बदलाऊं प्राणनाथ रो रो के गुजारा होता है। जब याद श्याम तेरी आती है देहे जाती हूँ तूफानों में। अच्छा, मझधार में गो देखाती हूँ एक तेरा सहारा होता है। मैं चलती फिरती उठती हूँ दुनिया से दर्द छिपाने को, हे दुनिया वाले क्या जाने तो ये थोड़ा सा फिल्म के गीत के जैसा भजन है। आपको तो समझ में आ ही गया होगा ये क्या कह रहे हैं। लेकिन एक बात इसमें सीखने वाली ये है कि जो मुसलमान धर्म है उसमें भी जब धर्म अपने धर्म की पराकाष्ठा पे कोई जाता है तो वो फिर भगवान कृष्ण का ही भजन करता है। आप किसी भी संप्रदाय में किसी भी धर्म में जाएंगे, अगर कोई व्यक्ति सर्वोच्च पराकाष्ठा पर जाएगा तो कृष्ण की ही भक्ति सर्वोच्च है। मुसलमानों में ये जो सूफी संत हैं ये सब आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से सांवरे सांवरे वो सांवरे कह रहे हैं, उर्दू में भी लिख रहे हैं तो है ना। तो इससे ये पता चलता है कि ऐसा कोई अगर वास्तव में कोई प्रामाणिक रास्ते पे जाने लगता है, ये तो इन लोगों ने बाद में कुरान को एडिट कर दिया, सबको एडिट कर दिया और अब तो उसमें सब गलत ही चीजें लिख दी हैं। लेकिन अगर वास्तविकता में जो सच में अगर सर्वोच्च तरीके से कोई पालन करता है तो आगे चलकर इनको कृष्ण भक्ति ही करनी होती है। तो ये सूफी लोग जो हैं ये सब अपने को गोपियां समझते हैं और कृष्ण को अपना प्रियतम मान करके इस तरह से गीत जो है लिखते हैं। जैसे कि चाप तिलक सब छीन ली मुझसे नैना मिलाई के, आमिर खुसरो का ये भजन है। खुसरो निजाम के बलि बलि जाऊं जो मैं हूं की पी के सब। इन सब चीजों से ये हमारे मतलब हम जो भक्ति कर रहे हैं उस पे हमारी श्रद्धा होती है कि हम गलत नहीं कर रहे, ये लोग भी ये कह रहे, हम ही नहीं कह रहे। रहीम दास रस खान ये लोग जो देखिए आप रस खान जो है ये लोग भी क्या कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। इससे हमें ये सब दिखता है, साफ साफ ये दिखता है कि देखो भाई ये जो है ये वास्तव में कृष्ण ही परम भगवान। तो इसमें मैंने पहले आप सुनेंगे रस खान के सवैये, हमारे समय में हम जब पढ़ते थे
इसमें बहुत सारे, इस भजन को एक बार हमारे ब्रह्मचारी क्लास में डिस्कस किया गया था। मानुष हो तो वही रसखान, बसों मिली गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहां बस मेरो, चरौ नित नंद के धिन मझारन, पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डार। तो रसखान जी कहते हैं कि अगर मनुष्य जीवन मिल जाए अगले जन्म में, तो ही गोकुल में कोई ग्वाली ग्वालन में बनना चाहता हूं। और अगर मुझे गाय वाय बना दिया जाए, तो यही कहीं भगवान नंद, ये जो नंद बाबा की कोई गाय बन जाऊं, ऐसा रसखान कहते हैं। और अगर कहीं मुझे पहाड़ बना दिया जाए, मान लो पहाड़ बना दिया जाए, तो भी मैं कम से कम ऐसा हो कि मुझे भगवान धारण करे। या लकुटी और कामरिया पर राज तिहु पुर को तज धरो, आठों सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद के धेनु चराए बिसराए। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बग बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक हु कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। इस तरह से और भी बहुत सारे इन्होंने लिखे हैं। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावई, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे, नारद से सुख व्यास रहे, पचिहारे तो पुनि पार न पावे, ताहि अहीर की छुहरिया छछिया बर छाछ पे नाच न चावे। तो बहुत ही फेमस है हमारे, जब हिंदी साहित्य हम पढ़ते थे, मुझे याद है कि मैं बहुत, मुझे हिंदी बड़ी अच्छी लगती थी और काफी अच्छे नंबर आते थे हिंदी में, 100 में 98 नंबर। तो ये हमको उसमें सिखाया जाता था, समास और अलंकार इन सब में। ताही अहीर की छो हरिया छछिया बर छाछ पे नाच नचा, कह रहे हैं कि देखो ये जो यादव लोग हैं, दूध का कारोबार करने वाले जो लोग हैं, इनकी जो यहाँ की स्त्रियां हैं, ये एक दोना छाछ के ऊपर बस भगवान कहते हैं दे दो इसके ऊपर इनको नचाती। ऐसा व्यक्ति जो शेष गणेश महेश दिनेश जितने भी सूरज, दिनेश मतलब सूरज दिन के ईश्वर, महेश मतलब शिव जी, गणेश जी, अनंत शेष, सुरेश, सुरेश का मतलब इंद्र, सब जो है जाहि निरंतर गावे, ये लोग निरंतर इनकी महिमा गाते रहते, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। और इन्हीं को ये लोग कहते हैं कि यही अनादि हैं, यही अनंत हैं, यही अखंड हैं, यही अच्छेद हैं, अभेद हैं, यही महान हैं। उसके बाद नारद से सुख व्यास रहे, पचिहारे तो पुनि पार नहीं पावे। अब जो को नारद सुख और व्यास देव भी सब लोग लेक्चर वेक्चर देते हैं, लेकिन कोई पार नहीं पा रहा है भगवान की महिमा का। ऐसे भगवान को प्रेम इतना अच्छा लगता है कि प्रेम की वजह से ताहि अहीर की छोहरिया छछिया बर छाछ पे नाचना चाहिए। छछिया गांव में एक जो मिट्टी का वो होता है, ढक्कन होता है, जो घड़ा होता है, उसको ढकने के लिए यूज होता है छछिया। तो थोड़ा बुन करके, इसका पुआल का बुन करके वो बनाते हैं। धूरी भरे अति सोहत श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी, वाछवि को रसकान बिलोकत, तो वारत काम कला निधि कोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। कह रहे हैं कि अरे सब लोग सोचते हैं ऐसी इतनी सुंदर छवि है, रसखान देख रहे हैं कि भगवान को जो है पैजनी पहनाई गई है,
छम 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 पैजनी कर रही है और आंगन में खेलते जा रहे हैं, कोई भी हल्का सा ठोकर हो जाते डर जाते, है ना। नहीं, ऐसे छवि को रसखान विलोक रहे, मतलब देख रहे हैं, वारत काम कला निधि कोटि, कह रहे हैं कि जो काम देव है उनकी जितनी भी कलाएं हैं वो सब, ऐसे करोड़ों कामदेव भी वार जाएंगे इनके ऊपर। और ऐसे करोड़ों कामदेव भी ऐसे रूप के ऊपर वार जाने पर, लेकिन देखो कितना भाग्य है उस कौए का जो भगवान एक रोटी लेकर के माखन सुबह सुबह भगवान खाते हैं, है ना। वो माखन लगा करके रोटी रोल करके दे दिया जाता है, प्लेट में नहीं दिया जाता, रोटी रोल करके दे दिया जाता है, और उसको ऐसे ऐसे खाना होता है। तो भगवान के हाथ से वो रोटी लेकर के एक कौवा जो है वो कह रहे हैं कि काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ उसको ले गए माखन रोटी। अब यहाँ पे देख रहे हैं, इससे पहले सबको बोल रहे हैं श्याम जू कह रहे हैं, गोविंद कह रहे हैं, लेकिन जब ये हरि बोल रहे हैं, जब काग ले गया, तो कहते हैं जो सबका सब कुछ चोरी कर लेता है, सबका सब कुछ हर लेता है, उसके हाथ से ये कौवा माखन रोटी ले गया। देखो माहिनी तो तानन सो रसखान, अटा चढ़ी गोधन गहे पे गए हैं, कानन दे अंगूरी रहियो जब ही मुरली धुनी मद बजई हैं, माहिनी तानन सो रसखान, अटा चढ़ी गोधन गहे पे गए हैं, तेरी कहाँ सिगरे ब्रज लोगनी, काल ही कोई कितनों समझे हैं, माई रिवा मुख की मुस्कान, समारी न जई है न जई है न जई, मोर पखा मुरली बनमान, लख्यो ही मैं यरा उम्होरी, तादिन ते इन बैरिन को कही कौन न बोल कुबोल सो री, अब तो रसखान स्नेह लगो को एक कहो को लाख कहोरी, और सो रंग रहयो न रहो एक रंग रंगीलो सो रंग रहोरी। तो कह रहे हैं कि जब ये मुरली पंख वाले और जब ये मुरली अरे मोर पंख वाले मुरली बजाते हैं, तो कुछ शुद्ध ने जब मंद मंद मुरली बजाते हैं, तो जो जहां पे रहता है वो सब रुक जाता है, सब लोग आकर्षित हो जाते हैं। जब ये टेर लगाई जाती है उससे गाय को बुलाते हैं बांसुरी से, और वो सब समझ जाती हैं कि अब हमारे मालिक हमें बुला रहे हैं। और वो जो मुख की मुस्कान है वो संहारी नहीं जाती है, संहारी मतलब ये वहां का यूपी वगैरह साइड में संहार ला तई से संहार ला इसे बोलते हैं है ना। नहीं, जैसे थोड़ा संभाल संभाल दीजिए इसको बोलते हैं तई से संभाल ला, नहीं उसी तरह से ये संहारी बोल रहे हैं ना। मोर पंख है मुरली ये देख करके लखो ये में हियरा उमहोरी, तादिन ते इन बैरिन को कही कौन न बोल कुबोल स्यो सहोरी, अब तो रसकान स्नेह लगो को एक कहो को लाख कहोरी, और सो रंग रहो न रहो एक रंग रंगीले सो रंग रहोरी। मैं देख रहा तो इसमें भगवान की बारे में बता रहे, मतलब इन सब देख रहे भजन में अलग अलग प्रकार से जो है तो ये बड़ा ही फेमस है। कहाँ करें रसखानी को चुगुल लबार, जो पे राखन हार है माखन चाकन हार, विमल सरस सरल। तो ये दोहा भी लिखते थे और सवैया भी लिखते थे। तो जो पहले मैंने सुनाया ये सवैया है, और जो अभी मैं सुना रहा हूँ ये जो है इनका दोहा है। बहुत सारा कुछ है इसमें, भगवान के रूप माधुरी के ऊपर, अति सुंदर हरि ब्रज का ब्रज राजकुमार, महामृदु बोलनी बोलत है, लखी नयन की कोर कटाक्ष चलाई की लाज की गाठन खोलत है। रास लीला का वर्णन कर रहे हैं, सुनरी सजनी अलबेलो लला, वह कुंजनी कुंजनी डोलत है, रसखानी लखे मन बूढ़ी मा भयो,
मधि रूप के सिंधु अर्कलोकत हैं, तैना लखियो कब जब कुंजनिते, बनिके निकस्यो भटक्यो मटक्यो री, सोहत कसो कैसो हरा टक्यो, अठ कैसो किरीट लैसे लटक्यो री। तो ठीक है, अभी बहुत ज्यादा समय हो जाएगा, इसमें बहुत सारे गीत हैं। आप कभी, मैं इसको आपको पोस्ट कर सकता हूँ, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। मेन जो इनका जो बहुत, यहाँ हम चर्चा तो कुछ और ही कर रहे थे वैसे, कि हम ये चर्चा कर रहे थे कि एक मिनट, आजा रे कन्हाई तेरी याद आए, इस भजन पे हम चर्चा कर रहे थे। इसका कोई स्रोत नहीं है, उर्दू ये बोल रहे तो उर्दू में है लेकिन हिंदी में है, और प्रीत वगैरह के बारे में बताया जा रहा है। जब याद शाम तेरी आती है, एक अजब नज़ारा होता है, एक टीस सी उठती है और बेचैन हमारा होता है, इस तरह से ये जो है। तो बहुत ज़्यादा इस तरह के गीतों को हम पब्लिकली नहीं गाते, क्योंकि इस तरह के गीतों को जब हम पब्लिकली गाएंगे तो लोग सोचते हैं कि ये भी तो, बाकी और भी गीत इसी तरह के हैं। तो कुछ गीत तो ऐसे हैं जो कि हमारे मैच करते हैं हमारे वैष्णव मूड से, कुछ नहीं मैच करते हैं। तो लोगों को लगता है कि जब हिंदी भजन आ गया मतलब हम भी गा सकते हैं अपना भजन। तो ये जो फ्रीडम है ये हमें आप संप्रदाय की ओर लेके जाता है ना। नहीं, तुम धागा बनो, तुम फूल बनो, मैं धागा बनो, माला में मिलेंगे दोनों सदा, है ना। तो ये हिंदी में भजन है, लेकिन इस तरह के भजन जो है ये थोड़ा थोड़ा आप सांप्रदायिक सिद्धांत जो है लेके आते हैं। इसीलिए हमको केवल और केवल अपनी जो गुरु शिष्य परंपरा में जो प्रामाणिक आचार्य है, नरोत्तम दास ठाकुर, लोचन दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, इनके भजनों को हमको गाने का प्रयास करना चाहिए। बहुत ज्यादा अलग अलग जो ये भजन है, इस तरह के भी जो भजन है अगर आप गाएंगे तो लोग कहेंगे कि अच्छा प्रभु जी ये चल सकता है, अच्छा तब तो फिर ये भी चलेगा, फिर और क्या, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, है ना। नहीं, जो भजन है ना एक, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, है ना। नहीं, या फिर ऐसे बोल, अरे रे मेरी जान है राधा, तुझपे कुर्बान मैं राधा, है ना। नहीं, तो ये सब भजन जो है प्रामाणिक नहीं, इसका स्रोत नहीं पता होने की वजह से इस तरह के जो भजन है इन भजनों से कोई विशेष आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। क्योंकि हमारे, हम जब भजन गाते हैं तो वैष्णव भजन गाने से हमारी आध्यात्मिक उन्नति इसलिए होती है क्योंकि जब हम इन वैष्णव भजनों को गाते हैं तो भगवान इसको याद करते हैं कि अरे मेरे भक्त के द्वारा गाए गए भजन को कौन है जो कि गा रहा है, तो भगवान का ध्यान हम आकर्षित कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी और के द्वारा चाहे कितना ही अच्छा भजन क्यों ना लिखा, और गाने में भी आप सोचेंगे कि पंडित जसराज गा रहे हैं ऐसे ऐसे कर रहे हैं, लेकिन भगवान को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो तो शराब पी के फिर गाते हैं या फिर कुछ ऐसा करके अपना गला साफ करने के लिए शराब पीना पड़ता है तो ये करते हैं, है ना। इसलिए इस तरह के भजनों को हम बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट भी नहीं करते, हमको उन्हीं भजनों को गाना चाहिए और ज्यादातर पब्लिकली हमको उसी उन्हीं भजनों के बारे में डिस्कस भी करना चाहिए जो वैष्णव आचार्यों ने रिकमेंड किया है। हर एक दीक्षित भक्त और जो कि कुछ समय कृष्ण भावनामृत में हो चुका है, उसको कम से कम 10 प्रामाणिक वैष्णव भजन याद होने चाहिए, जैसे कि जीव जागो, उदिलो अरुणा, या फिर इस तरह के भजनों को स्मरण रखना चाहिए। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, वो है वैष्णव ठाकुर, कुछ भजन हमको स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर
करना है हरे तो कृष्णा पुरोहित दंडवत प्रणाम। मुझे तो मैं आपको होश बना लू। ठीक है, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी 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 दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी सबके दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। कैसे हैं प्रभु जी? बस आप भक्तों का आशीर्वाद। हो गया माला। हो जा रहा है, आपकी कृपा है। अरे हमारा क्या है, तो आपका प्रयास है बस। हो जा रहे, हो जा। आपका इच्छा है, इच्छा है तो ही सब कुछ होता। सही सही सही। इच्छा नहीं है तो इतनी ठंडी में सुबह कौन उठता, बोलो। सही बात है। और प्रभु जी, ओके प्रभु जी सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी सबको दंडवत प्रणाम। छोटे प्रभु जी क्लास में। हाँ माता जी। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी को सबको दंडवत प्रणाम।